स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे और शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन आज। सत्र के दूसरे चरण में अब तक लोकसभा में महज 1% और राज्यसभा में 6% समय का विधायी कार्यों में हुआ इस्तेमाल। साल 2000 के बाद सबसे कम कामकाज। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस के 5 लोकसभा सांसद आज दे सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी का 38वां स्थापना दिवस आज। मोदी ऐप के जरिए 5 लोकसभा क्षेत्रों के हजारों बूथ कार्यकर्ताओं समेत 734 बीजेपी जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मुंबई में रैली। पद संभालने के बाद पहले विदेश दौरे पर आज भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली समेत दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुलाकात का कार्यक्रम। अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। 1998 के काले हिरण शिकार केस में अभिनेता सलमान खान को कल जोधपुर की अदालत ने सुनाई थी 5 साल की सजा। जेल में गुजारनी पड़ी कल रात। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण। भारोत्तोलन में संजीता चानू ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड। डेविस कप में सबसे ज्यादा युगल खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनने पर होगी पेस की नजर। संसद के मौजूदा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और सत्र के दूसरे चरण में गतिरोध की वजह से बहुत कम विधायी कामकाज हो पाया है। अब तक राज्यसभा में समय का महज 6% इस्तेमाल विधायी कामों में हो पाया है, जबकि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा में अब तक सिर्फ 1% विधायी काम हो पाया है। गतिरोध की वजह से बैंकिंग धोखाधड़ी, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और कावेरी विवाद समेत सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं 3 तलाक समेत कई अहम विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा में 21वें दिन गुरुवार को भी कई मुद्दों पर अवरोध के चलते कार्यवाही बाधित हुई और कामकाज नहीं हो पाया। सदन में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2013 को पारित कराने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी दलों के कई मुद्दों पर अवरोध के चलते ये बिल पास नहीं हो पाया। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से की कार्यवाही को अब सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा है, लेकिन सदन में गतिरोध बरकरार है। गुरुवार को भी कावेरी, आंध्र प्रदेश समेत कई मुद्दों को लेकर सदन में विपक्षी दलों ने विरोध किया। इस बीच टीएमसी सांसद सुकेंद्र शेखर राय ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक को लेकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मुद्दा उठाया। सभापति ने इसका संज्ञान लेते हुए संशोधन की बात कही। Prevention of Corruption Amendment Bill. This particular bill, that is the one which I have allowed the minister to move, had been passed by the Lok Sabha and transmitted to this House. The order passed by the chair allowing the minister to move the bill was under wrong premises, and therefore he should recall that order. Right. The Prevention of the Corruption Amendment Bill 2013. was introduced in Rajya Sabha 19th August 2013 as said by Sukendra Rai ji. The bill has been examined and replaced by the Senate Committee. By Rajya Sabha, the necessary correction will be made in the printed copy of the report. So correction has been carried, will be carried. सदन में गतिरोध नहीं थमने पर सभापति ने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. भोजनावकाश के बाद उपसभापति ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2013 पर चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बात बुधवार की तरह मत विभाजन पर ही अटकी रह गई और सदन में गतिरोध जारी रहा। Demand, stringent measures.
measures against corruption, and when the Modi government moves forward in its resolve of zero tolerance towards corruption, they tend to disrupt the house. That nobody in the opposition is saying that there should not be any change in the law or no legislation. Opposition, it is a false accusation that has been made by the Honorable Minister just now, and the word should be expunged. There is already a law against corruption. आखिर में सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2013 के राज्यसभा में पारित नहीं होने पाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि बिल 2013 से लंबित है और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में विपक्ष से संसद चलने देने और बिल को पारित करने में मदद की अपील की। जितेंद्र सिंह जी, 2013 से ये कानून बनने की प्रक्रिया में है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लेकिन अभी भी संसद में आज अवरोध हुआ और पास नहीं हो पाया, क्या कहना? निश्चय ही मुझे लगता है ये देश की जनता इस बात का निर्णय करेगी। आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ दर्शाया गया है कि वो लोग जो सदन के बाहर ये दावा करते हैं कि वो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और कभी कभी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में वो पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती, वही सदन के भीतर जा करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधान को, कानून को ना आ पाए उसको किसी ना किसी बहाने से रोकने का प्रयास करते हैं। सर, ये स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है बिल, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी से भी किया है, लॉ कमीशन में भी किया, सारे सुधार इसमें हो चुके हैं, तो क्या इसके जो अहम फीचर्स हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में जो है वो कारगर साबित हुआ? वैसे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बनाया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए नए केस सामने आते गए, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल की कल्पना वास्तव में UPA 2 में की गई थी और तत्कालीन DOPT इंचार्ज मंत्री नारायण स्वामी जी ने पहली बार लाया था। फिर सरकार बदली तो इस सरकार ने उसमें कुछ और सुधार करने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता को देखते हुए कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन को लेकर के इसमें ब्राइब गिवर को भी इसमें दायरे में लाया गया, जो रिश्वत देने वाला है वो भी आरोपी है। इसके अतिरिक्त कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो जो तोहफे गिफ्ट्स इत्यादि दे करके कहीं ना कहीं संदिग्ध तरीके से काम करती हैं उनको भी इस दायरे में ला गया है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी प्रावधान रखने का प्रयास है कि जो ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं अधिकारी, उन पर किसी तरह से अनावश्यक कार्रवाई या भय ना रहे ताकि वो अपना काम पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सके। इसलिए यदि किसी के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी शिकायत को लेकर के कार्रवाई होनी है तो उसकी पर्याप्त अनुमति दरकार रहेगी। उसके उपरांत एक समयबद्ध तरीके से एक टाइमलाइन के भीतर उस केस का निर्णय हो, 4 साल के भीतर, ताकि अनड्यू हैरेसमेंट की कोई शिकायत ना हो। तो इस कुल मिलाकर के दोनों तरफ से इसमें सुधार थे, एक तरफ से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में और दूसरी तरफ ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने कल संसद परिसर में कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने मानव श्रृंखला भी बनाई। इन दलों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा, कावेरी, CBSE पेपर लीक और PNB धोखाधड़ी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आगे नहीं आ रही है। This dissatisfaction among the masses was reflected by the opposition inside the houses, both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. But the government did not allow, or government did not come forward to have discussion on either of these issues. राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष ने पूरे सत्र में कामकाज नहीं होने दिया। विपक्ष की ओर से बजट सत्र आगे बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि विपक्ष गतिरोध की रणनीति पर काम कर रहा है। Extension of parliament also they will do the same thing again. They are actually why they must, they are accountable to tell nation why they destroyed 19 days when government was ready to discuss every issue. They could have discussed 19 issues, they could have taken the past 19 bills and that would be the best practice, but they didn't do it. This is worst kind of politics I have ever seen, one can ever imagine in a democratic setup. संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लगातार अवरोध के बाद NDA के सांसद 23 दिनों का वेतन भत्ता नहीं लेंगे।
एनडीए के 400 सांसद वेतन के रूप में 3.66 करोड़ रुपए छोड़ देंगे। सरकार ने कहा है कि विपक्ष के अवरोध के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही समझते हुए ये फैसला किया गया है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि सदन में गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है। 5 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अवरोध की लगातार ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। लगातार वक्त की बर्बादी के बाद सरकार की ओर से फैसला हुआ कि दोनों सदनों में एनडीए के सांसद इस सत्र में 23 दिनों का वेतन भत्ता नहीं लेंगे। नो वर्क नो पे, जब हम कोई काम नहीं किया तो जनता का गाड़ी कबाई का पैसा लेने का वो अधिकार हमको नहीं है। और जो निर्णय पार्टी ने किया हम उसका स्वागत करते हैं, और हम ये नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की है कि जब हम काम नहीं कर रहे तो हमको वेतन नहीं लेना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सभी जगह लागू हो जाना चाहिए, फिर एक जगह नहीं, सभी जगह लागू हो जाना चाहिए, ताकि जहाँ भी कहीं कोई वर्क नहीं करता तो वहीं पे नहीं होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद में अवरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है और विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। Taking salary, those who have disrupted, they may be feeling guilty and therefore not taking salary. Request, it is widely believed that there are other people, the allies of the ruling party, which were disrupting. 23 days, we are ready to quit our salary if the government says Kaveri board will be formed. They have not allowed parliament to work. And they suffer from a guilty consciousness. It is their problem. And in fact, as opposition, as CPI, we wanted Parliament to transact substantial business. ये पहला मामला नहीं है जब संसद में अवरोध के चलते बीजेपी के सांसदों ने सत्र के दौरान वेतन नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि अधिकतर सांसदों की राय ये भी है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे हफ्ते का अब सिर्फ आखिरी दिन बचा है, और इन 5 हफ्तों के दौरान काम काज नहीं हो पाया और अवरोध के चलते कार्यवाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सरकार और विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप हैं, और यह भी तय हुआ है कि एनडीए के सांसद अवरोध के दिनों की सैलरी और वेतन भत्ते नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या सिर्फ इससे ही जनता और संसद के समय की भरपाई हो सकेगी। संसद भवन से कैमरन सुरेश के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वाईएसआर कांग्रेस के सभी 5 सांसद आज लोकसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस सांसदों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एनडीए सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने में विफल रहने के विरोध में वो आज इस्तीफा देंगे। उन्होंने सदन में लगातार गतिरोध के चलते एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा नहीं होने पर भी निराशा जताई। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी पहले ही ऐलान कर चुके थे कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर पार्टी सांसद लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। पार्टी सांसद वारा प्रसाद राव विलाग पल्ली ने कहा है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जारी रखेंगे। बीजेपी आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी। जनता पार्टी से विघटन होने के बाद 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में बीजेपी की स्थापना हुई थी। आज 38 सालों के बाद केंद्र समेत 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ बीजेपी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इस मौके पर पार्टी की जोरदार जश्न की तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए उनका आभार जताया है। पार्टी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे बीजेपी के 5 लोकसभा क्षेत्रों के हजारों बूथ कार्यकर्ताओं समेत 734 बीजेपी जिलाध्यक्षों और उनकी टीम के साथ नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधा संवाद करेंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद मीनाक्षी लेखी के लोकसभा क्षेत्र नई दिल्ली, सांसद मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र उत्तर पूर्व दिल्ली, पूनम महाजन के लोकसभा क्षेत्र उत्तर मध्य मुंबई, अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर और राजीव प्रताप रूड़ी के लोकसभा क्षेत्र सारण के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी ऐप के जरिए बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ इस बातचीत के दौरान उनके विचार भी सुनेंगे और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब भी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह
आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन उपनगर बांद्रा के बांद्रा कुर्ला परिसर के MMRDA ग्राउंड में होना है। बीजेपी के लिए मुंबई के स्थल को लेकर एक भावनात्मक संबंध है, क्योंकि पार्टी के गठन के बाद इसका पहला सम्मेलन 1980 में मुंबई में ही हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने यह बात ओडिशा के बुलांगीर में बीजेपी युवा रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी हिंसा में यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद सभी अपराधियों पर मामला दर्ज कराया जाएगा। साथ ही भरोसा दिलाया कि राज्य में बीजेपी सत्ता में आती है तो ओडिशा के पश्चिम क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अलग अलग व्याधियों से फ्लोराइड के कारण व्याधिग्रस्त हुए, रोगग्रस्त हुए। मैं मानता हूं कि नवीन पटनायक सरकार की एक घोर विफलता है, और इन्होंने अगर प्रधानमंत्री जी को भी दरखास्त कर दे तो मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आसपास के फ्लोराइड युक्त गांवों को प्रधानमंत्री जी निश्चित ही पीने के पानी की व्यवस्था कम से कम करेंगे। काला हिरण शिकार मामले में सजायाफ्ता सलमान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जोधपुर की एक अदालत ने कल अभिनेता सलमान खान को काले हिरणों के शिकार का दोषी माना। 20 साल पुराने इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई है। इस वजह से सलमान खान को रात जेल में ही गुजारनी पड़ी है। वहीं सैफ अली खान समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। काले हिरणों के शिकार के दोषी पाए गए अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाती पुलिस। जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को सलमान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई। उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सलमान को वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सजा हुई है। का कंडक्ट है, उसके खिलाफ पहले भी कई मामले हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के 2 मामले हो चुके हैं। हिट एंड रन का एक मामला बॉम्बे में हो चुका है, उसमें भी वो कन्विक्ट हो चुका है। हालांकि उसको हाईकोर्ट ने बरी किया, लेकिन स्टेट की अपील SLP है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और उसके कंडक्ट को देखते हुए उसको अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, और उस पर न्यायालय ने विचार किया, उसके बाद उसको 5 साल की सजा से दंडित किया। इस मामले में अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तबू नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह भी आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने इन सबको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बिश्नोई समाज ने इसके खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही है। सरकार में कहां कहां पैरवी में कमी रही है और क्यों रही है, उसकी समीक्षा करने के बाद हम सरकार से बात करके और जो आरोप मुक्त आरोपी है उनको भी सजा मिले, उनको भी आरोप सिद्ध हो, ऐसी हम जो आगे अपील करना चाहेंगे। ये मामला 1 अक्टूबर 1998 की रात का है। आरोप था कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान ने जोधपुर के पास कणकणी गाँव में 2 काले हिरणों का शिकार किया। उस रात सारे कलाकार जिप्सी में थे। जिप्सी को सलमान खान चला रहे थे। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि हिरणों का झुंड देखकर सलमान ने गोली चलाई और उनमें से 2 हिरणों को मार गिराया। सलमान खान की जमानत याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि लॉजिस्टिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से देश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बड़े वेयरहाउस की चेन बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने फिक्की की ओर से आयोजित ग्लोबल लॉजिस्टिक्स समिट के दौरान ये बातें कहीं। सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास पर विशेष जोर दे रही है, जिससे गोदामों के निर्माण, वस्तुओं की आवाजाही, पैकेजिंग और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल लॉजिस्टिक्स समिट में वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि लॉजिस्टिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करने से व्यावसायिक समूहों को फायदा होगा, साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में और विदेशी निवेश का माहौल पैदा होगा। आइडिया इज टू इंश्योर दैट लॉजिस्टिक बिकम्स अ की थ्रस्ट एरिया फॉर अ गवर्नमेंट टू वर्क ऑन एंड इन विच सोसाइटी विल बेनिफिट, आवर बिजनेस कम्युनिटी विल डेवलप इट, आवर इंटरनेशनल ट्रेड विल राइज एंड आल्सो न्यू एंड न्यू इन्वेस्टमेंट विल कम टू दिस सेक्टर। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय और विश्व बैंक के इंडिया हेड भी शामिल हुए। उन्होंने भारत में लॉजिस्टिक्स कास्ट कम करने के साथ औद्योगिक क्लस्टर्स और उपभोक्ताओं के बीच
कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। 4,000 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स मूविंग अबाउट 2,000 बिलियन टन किलोमीटर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू 801 स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड की कंसम्पशन सेंटर्स। हाउ डू यू क्रिएट ए लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क्स टू लेवरेज दिस इनक्रेडिबल space that is in front of India, an incredible space which is a market. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स पार्क नीति का अनावरण किया गया। सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउसिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया था। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन जैसी निजी आभासी मुद्राओं के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। साथ ही उसने देश में अधिकृत डिजिटल मुद्रा पेश करने की संभावना के बारे में अध्ययन कराने के लिए एक समूह गठित करने की भी घोषणा की है, जिसे केंद्रीय बैंक जारी कर सकता है। ये समूह 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल मुद्रा पेश करने की जरूरत और व्यवहारिकता का अध्ययन करने और उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश सुझाने के लिए एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया गया है। समूह जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी हांगकांग में है और विदेश मंत्रालय ने हांगकांग प्रशासन से नीरव मोदी की अंतरिम गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कल राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बारे में 23 मार्च 2018 को अनुरोध पत्र उन्हें सौंप दिया गया है। धोखाधड़ी उजागर होने के पहले ही नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। भारत ने वन बेल्ट वन रोड पर चीन के साथ सहयोग की खबरों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि OBOR के बारे में हमारा मत पूरी तरह से साफ है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की संप्रभुता और भौगोलिक एकता के खिलाफ है। कोई भी देश इस तरह की परियोजना को सहन नहीं कर सकता जो उसकी संप्रभुता और एकता पर चोट पहुंचाती हो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज अपनी 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। फरवरी में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। रणनीतिक रूप से अहम उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के व्यापक उपाय किए जाएंगे, जिससे हाल के दिनों में बनी आशंकाओं को दूर किया जा सके। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच विकास और विश्वास बहाली के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नेपाल के बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, रेल यातायात, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में करार हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के विकास कार्यक्रमों में भारत को तेजी से मदद करनी चाहिए, जिससे वहां चीन को दखल देने का मौका ना मिले। इस सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो वायदे किए हैं, विकास और सहायता संबंधी वायदे, उनको तत्काल पूरा करना चाहिए। पहला ये कदम, सबसे पहला कदम ये होना चाहिए और इसकी घोषणा करने के बजाय इस पे एक्शन करना चाहिए। इसको लेके नेपाल में बहुत निराशा है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम नेपाल का विकास होने नहीं देना चाहते हैं, वायदे करते हैं ताकि वो विश्व बाज़ार में और सहायता क्लब्स में कहीं और से सहायता भी ना ले सकें और हम भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम हो रहा है। रणनीतिक फायदे के लिए नेपाल पर चीन की नज़र है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद केपी शर्मा ओली का सबसे पहले भारत आना ये दिखाता है कि नेपाल अपने बारे में बनी आशंकाओं के बारे में भारत को आश्वस्त करना चाहता है। भारत को भी पड़ोसी देश के साथ संबंधों को राजनयिक से आगे ले जाकर राजनीतिक स्तर पर बढ़ाना चाहिए, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आ सके। अगर वो बदलेंगे और चीन के करीब एक तरफा ढंग से जाते हैं, भारत के विरोध में कोई षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, तो भारत को जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान खुद नेपाल को होगा, और ओली जी इस बात को बखूबी समझते हैं। नेपाल में भारत की पहले से ही कई परियोजनाएं चल रही हैं, इसमें पंचेश्वर परियोजना और पोस्टल हाईवे खास हैं।
बीरगंज विराटनगर में चेक पोस्ट, जोगबनी और विराटनगर के बीच रेल परियोजना, तराई रोड प्रोजेक्ट और काठमांडू में तीर्थयात्रियों के लिए गेस्ट हाउस जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेकिन हाल में चीन ने नेपाल से कई लुभावने वादे किए हैं। ऐसे में नेपाल को इस मामले में भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना होगा। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, एक समान संस्कृति और एक ही तरह की जनसंख्या होने के कारण ये न सिर्फ दो राष्ट्र हैं बल्कि एक ही परिवार के सदस्य समझे जाते हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री ओली की इस यात्रा में किस तरीके से बात होती है ताकि दोनों देशों के बीच कुछ अविश्वास की भावनाएं जो उपजी हैं वे दूर हो सकें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अजरबैजान की राजधानी बाकू में गुट निरपेक्ष देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को सम्मेलन के पहले दिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई है। विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में गुरुवार को गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को मंजूरी देने और इससे निपटने के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया। स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन विदाउट डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज एंड मैकेनिज्म्स टू फाइट द मेनेस ऑफ टेररिज्म इज एन इंपेरेटिव। एज अ फर्स्ट स्टेप लेट अस रिन्यू आवर कमिटमेंट टू फाइनलाइज द सीसीआईटी। नेम कंट्रीज मस्ट गैल्वेनाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टुवर्ड्स दिस गोल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार के बगैर संयुक्त राष्ट्र सुधार पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने इसमें गुटनिरपेक्ष देशों से सहयोग की अपील की। नो एफर्ट टू रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशंस विल बी कंप्लीट विदाउट रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। टू डेट द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस हैज बीन केयरफुली नर्चर्ड इनटू अ क्रेडिबल कलेक्टिव प्रोसेस फॉर नेगोशिएशन ऑन दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। The time has come to move to the next phase and commence text-based negotiations. A demand made by an overwhelming majority of the United Nations members, including most NEM members. विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया और सम्मेलन में शामिल देशों से सोलर अलायंस से जुड़ने की भी अपील की। भारत गुटनिरपेक्ष संगठन का संस्थापक सदस्य है और इसमें 120 देश शामिल हैं। सुषमा स्वराज ने बुधवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और विदेश मंत्री अलमार मम्मा धरोव से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। भारत और अजरबैजान के बीच वीजा सहूलियत और राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को लेकर दो करार भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने आज दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। वेटलिफ्टर संजीता चानू ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। संजीता ने कुल 192 किलो भार उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। भारत के खाते में 3 मेडल आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शानदार जीत पर संजीता चानू को बधाई दी है। और एक नजर पदक तालिका पर डालते हैं। इंग्लैंड 6 स्वर्ण के साथ 12 पदक जीतकर फिलहाल पहले पायदान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। साथ ही संजीता चानू के स्वर्ण पदक के साथ ही पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि मलेशिया चौथे स्थान पर है। वहीं डेविस कप एशिया ओशियाना ग्रुप में चीन के खिलाफ मैच में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की निगाहें इतिहास रचने पर होंगी। लिएंडर पेस सबसे ज्यादा युगल मुकाबले जीतने का डेविस कप रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहेंगे। भारत को कई यादगार जीत दिलाने वाले 44 साल के पेस के नाम 42 युगल जीत दर्ज हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन आज। सत्र के दूसरे चरण में अब तक लोकसभा में महज 1% और राज्यसभा में 6% समय का विधायी कार्यों में हुआ इस्तेमाल। साल 2000 के बाद सबसे कम कामकाज। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस के 5 लोकसभा सांसद आज दे सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी का 38वां स्थापना दिवस आज। मोदी ऐप के जरिए 5 लोकसभा क्षेत्रों के हजारों बूथ कार्यकर्ताओं समेत
734 बीजेपी जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मुंबई में रैली। पद संभालने के बाद पहले विदेश दौरे पर आज भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली समेत दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से मुलाकात का कार्यक्रम। और अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। 1998 के काले हिरण शिकार केस में अभिनेता सलमान खान को कल जोधपुर की अदालत ने सुनाई थी 5 साल की सजा। जेल में गुजारनी पड़ी रात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण। भारोत्तोलन में संजीता चानू ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड। डेविस कप में सबसे ज्यादा युगल खिताब जीताने का रिकॉर्ड बनाने पर होगी पेस की नजर। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए विशेष में सलमान खान दोषी। नमस्कार।